नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है राजस्थान बिजली विभाग से, तो राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट से अच्छी वैकेंसी निकल रही है 10वीं पास के लिए। तो किस प्रकार ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या आपकी योग्यता वगैरह रखी गई है, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ अलग अलग जो जोन है उसमें अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, पहले जयपुर जो जोन है उसमें कितनी वैकेंसी निकल रही है, अजमेर और जोधपुर, ठीक है, तीन जोन है, अलग अलग वैकेंसी निकल रही है। तो यहाँ जयपुर जोन की हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 796 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। बाद में बात करते हैं अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड में, तो आपको यहाँ टोटल वैकेंसी मिल रही है 693 वैकेंसी आपको मिल रही है। जोधपुर जो जोन है उसकी बात करते हैं तो 944 वैकेंसी आपको इस जोन में मिल रही है। तो ये तो होगी डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी, तो बात करते हैं इसमें एज वगैरह की, आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। तो 1 जनवरी 2019 तक आपकी आयु हो जानी चाहिए, 18 से लेके 28 ईयर्स के बीच यदि है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को यहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी। आज सर्विस मैन को यहाँ जो इसके लास्ट उम्र रखी गई है 50 ईयर्स तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा होना अनिवार्य है। और इसी के साथ हम सैलरी की बात करते हैं, तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको यहाँ देख सकते हो, सैलरी इसकी 19,200 पर मंथ आपको इसमें वेतन दिया जाएगा पे मैट्रिक्स लेवल 4th के अनुसार। जो अन्य दे हैं वो भी आपको इसमें सुविधा है वो भी मिल जाएगी, लेकिन आपको 19,200 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस दो पार्ट होंगे, पहला होगा राजस्थान के कल्चर और दूसरा जो होगा वो होगा जो आपने ITI की है उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पहले पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स आ जाएगा, जनरल साइंस आ जाएगा एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट हिस्ट्री एंड कल्चर विद द स्पेशल इम्पैक्ट्स ऑफ राजस्थान। ये तो हो गए पार्ट ए के सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट ए से तो यहाँ टोटल क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे, 50 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पार्ट बे में आपको कौन से मिलेंगे, जो आपने ITI की है, जिस ट्रेड से आपने ITI की है उस ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने 100 नंबर कितने होंगे, 200 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब इसमें 150 क्वेश्चन हो गए, जो मार्क्स हो गए हैं वो हो गए हैं आपके 250 मार्क्स आपको इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं सेंटर वगैरह की, सेंटर कहाँ कहाँ हो जाएंगे आपके। तो सेंटर पहला हो जाएगा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का, जयपुर और कोटा में आपको 2 सेंटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अजमेर की बात करते हैं, अजमेर में हो जाएगा और उदयपुर में आपको सेंटर मिल जाएगा। जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड का जो सेंटर है, जोधपुर और बीकानेर दो जगह पर इसका जो सेंटर है वो रखा जाएगा। तो ये हो गए इसकी सेंटर वगैरह की। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो आपको पता ही है 10वीं पास से संबंधित पोस्ट से ITI यदि आपके पास है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सेकेंडरी फॉर RBSC, चाहे हो आपके पास CBSE, किसी भी बोर्ड से यदि आपने पास किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अलोंग विथ ITI होना अनिवार्य है। NAC का भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो चलेगा, किसमें, इलेक्ट्रीशियन में,
लाइनमैन में, SBA वायरमैन और पावर इलेक्ट्रिशियन। यदि इसमें आपने IIT वगैरह की है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार की योग्यता नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके, यहीं बंद करके अगले वीडियो का वेट करें। तो इसके बाद में हम आगे जो हमें, तो इसमें हम सीधी बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क कितना रखा गया, तो आप यहाँ देख सकते हो जनरल की जो इसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उसको यहाँ देना पड़ेगा 850 रुपये, 850 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और यहाँ SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको देने पड़ेंगे 550 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हो आपकी इनकम होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम 2.5 लाख, तो आपको ये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ देख सकते हो अप्लाई करने का जो मोड है वो ये हो जाएगा, इन 3 वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट 23 जुलाई हो जाएगी। 23 जुलाई तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में इस फॉर्म की जो लिंक है वो बंद हो जाएगी और आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट है वो जल्द हो जाएगी। तो अभी का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।